नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PHU वर्ल्ड में। कल ही मैंने आपको बताया था कि मैं हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित एक वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आज उसी टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के बीच पुनः एक बार आया हूँ। देखिए, हॉस्टल अलॉटमेंट में दो तीन चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो क्वेरी उसमें आ रही है वो ये है कि आपको पता कैसे चले कि हॉस्टल अलॉटमेंट होना है। हर बार की तरह ही आपको BHU की वेबसाइट का प्रयोग इसमें करना होगा। आप जो है BHUonline.in खोलें और अपने ईमेल आईडी से UG वाले UG में लॉगिन में और PG वाले PG लॉगिन में आके अपना ईमेल आईडी लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जो है जो वो कोर्स एलोकेशन का ऑप्शन है उसी तरह का एक नया आइकॉन जो है उस आपके डैशबोर्ड में बनेगा, जिसको कि हॉस्टल अलॉटमेंट, जिसमें लिखा रहेगा हॉस्टल एलोकेशन या हॉस्टल अलॉटमेंट, ऐसा ही एक आइकॉन बनेगा। उसमें जाके आपको देखना होगा कि हॉस्टल आपको अलॉट किया गया है या नहीं। यह प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगले सप्ताह तक ये शुरू हो जाएगी। आप लगातार एक दिन में कम से कम दो बार अभी अपने ईमेल आईडी को ज़रूर चेक करते रहें BHU वेबसाइट पे जाके, कि कुछ नई आइकॉन्स तो उसमें अपीयर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फी सबमिट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर फी आप सबमिट नहीं करते 24 आवर्स के भीतर या जो भी डेडलाइन दिया गया है, तो आप उस चीज़ से वंचित हो जाते हैं। दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें यह है कि आपको कौन सा हॉस्टल मिलेगा। देखिए, BHU में 70 से अधिक हॉस्टल्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के। जैसे कि अगर हम आर्ट्स फैकल्टी की बात करें तो बिरला हॉस्टल, LBS हॉस्टल, भारतेंदु हॉस्टल। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज की बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल, श्रीमती मुना देवी हॉस्टल, राजा राम मोहन राय हॉस्टल। इसी तरह अगर साइंस फैकल्टी की बात करें तो रामकृष्ण हॉस्टल, बड़ोचा हॉस्टल्स। BSc एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो उसमें राधा कृष्ण हॉस्टल। तो डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट हॉस्टल्स हैं। जैसे फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए चाणक्या, अम्बेडकर, तो कुल 70 हॉस्टल्स हैं। आप समझ रहे होंगे उन सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। जब भी आइकॉन आएगा और जब भी आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा तो उस हॉस्टल अलॉटमेंट में आपको हॉस्टल का नाम भी जो है वो लिखा रहेगा। आप हालांकि BHU.ac.in पे इसको जाके चेक भी कर सकते हैं कि किस हॉस्टल में जो है किस फैकल्टी की कौन सी हॉस्टल है बेसिकली, और कितने सीट्स हैं। सीट्स आपको पता इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वो जैसे कि मान लीजिए 3 साल का कोर्स है, तो कई हॉस्टल्स ऐसे हैं जिसमें तीनों ईयर के बच्चे रहते हैं, तो 200 सीट्स है तो वो 3 साल में डिवाइडेड होता है, तो ये आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपको कितनी सीट्स है। लेकिन एक मिनिमम आप मान लीजिए कि जिसकी भी रैंकिंग टॉप 50% है बॉयज या गर्ल्स, उनको हॉस्टल मिलने की उम्मीदें जो है वो अधिक हैं, और उसके बाद जो है चांसेस धीरे धीरे कम हो जाती हैं। हॉस्टल फी के बारे में अगली क्वेरी है कि हॉस्टल फी कितनी है। हॉस्टल फी जो है BHU की बड़ा नॉमिनल सा फी होता है, ये 3600 से 3700 रुपये एक साल की फ़ी है, और उसमें 2000 रुपया जो होता है वो कॉशन मनी होता है, यानी कि वो रिफंडेबल होता है। आप जब हॉस्टल छोड़ेंगे तो आपके अकाउंट में जो है वो 2000 रुपये डाल दिए जाते हैं, यानी कि अगर आप देखें तो 200 से 250 रुपये जो है वो लॉजिंग की चार्ज BHU हॉस्टल्स में जो है वो है, और ये बहुत ही कम है। अगर आप बाहर रूम्स लेंगे, सी गेट, छित्तूपुर फ्लैट लेंगे, तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी सस्ती है BHU की हॉस्टल्स। अगली क्वेरी थी फैसिलिटीज़ से संबंधित कि BHU हॉस्टल में फैसिलिटीज़ कैसी हैं। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी फैसिलिटी आपको BHU हॉस्टल्स में मिलेगी वो बाहर आपको कतई नहीं मिल सकती है, किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकती है। एक रूम रहता है, स्टैंडर्ड साइज रूम रहता है, यानी काफ़ी बड़ा रूम आपको मिलेगा, और उसमें 2 लोग को अलॉट किया जाता है एक रूम में, और उसी रूम में आपको 2 लाइट्स, 1 फैन, 2 टेबल, 2 चेयर, 2 बेड, ये BHU की ओर से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सुबह सुबह आपके रूम में स्वीपर्स आते हैं जो कि आपके रूम को साफ करके जाते हैं, यानी कि साफ़ सफाई भी जो रूम की है वो आपको नहीं देखनी होती है, उसके लिए भी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। 24x7 यानी 24x7 जो है वो लाइट, कहने के लिए नहीं, वास्तविकता में 24x7 लाइट जो है वो आपको मिलेगा, और मैंने तो देखा है कभी कभी 3-4 महीने तक लाइट नहीं कटती है। पानी की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वो भी आपको 24x7 वाटर जो है वो मिल जाएगा, और वाटर फिल्टर जो है और कूलर, वाटर कूलर, ये आपको हर हॉस्टल में 3-4 वो मिल जाएंगे, इसलिए और कोई दिक्कत नहीं। इसके अतिरिक्त जो है आपके हॉस्टल्स में, हॉस्टल के बाहर जो प्ले ग्राउंड होता है
हॉस्टल के भीतर भी जो है वो प्लेग्राउंड होता है, एक अच्छा गार्डन आपको हॉस्टल में मिलेगा जो पुराने हॉस्टल्स हैं, जो नए हॉस्टल्स हैं उसमें प्लेग्राउंड अंदर में ही बना दिया गया है जहाँ पे आप छोटे मोटे इंडोर गेम्स जो हैं वो खेल सकते हैं। साथ ही हॉस्टल में एक कॉमन रूम मिलेगा, कॉमन रूम में टीवी और अन्य फैसिलिटीज जो है स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज वो भी रहती है। जो बड़ा इंपॉर्टेंट अगला जो टॉपिक है वो ये है कि हॉस्टल में फूडिंग कैसे होती है। तो हॉस्टल में आपको बता दें कि एक मेस होता है और मेस की चार्जेज जो है वो अलग है, वो अगर आप देखें तो 40 रुपये डाइट, अप्रोक्सीमेट एक डाइट का 40 रुपये लगता है और एक मंथ में कुल जो है आपको 2200 से 2300 रुपये पे करने होते हैं मेस में अलग से। अगर आप मेस में खाना खाते हैं तो आपको पे करना है, मेस में खाना नहीं खाते हैं तो नहीं करना है। गर्ल्स हॉस्टल की जहाँ तक बात करें तो गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं, जैसे त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स, उसमें गंगा यमुना कावेरी अलग अलग हॉस्टल्स हैं, उसमें सभी लोगों को दिया जाता है। फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए कुंदन देवी, गार्गी, ऐसे अलग अलग हॉस्टल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके bhu.ac.in पे। वहाँ पे भी फूडिंग की व्यवस्था जो होती है वो 2300 से 2400 रुपये पर मंथ है और गर्ल्स के लिए चार टाइम फूडिंग की व्यवस्था है, सुबह नाश्ता, दोपहर का फिर लंच, फिर शाम का नाश्ता और रात में डिनर। कुल मिला के फूडिंग लॉजिंग दोनों की व्यवस्था जो BHU में है हॉस्टल्स में वो बहुत अच्छी है। अगर हॉस्टल संबंधित आपको कुछ और क्वेरीज जो हैं वो लगे कि बच गया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बीच बीच में दिखाया भी है कि हॉस्टल्स के रूम कैसे हैं, प्लेग्राउंड्स कैसे हैं। तो कुल मिला के आपको ये पसंद आया होगा। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली अपडेट्स जो हैं वो आप मिस ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद।